सुनिश्चित की जाएगी। जनपद में डिप्टी एसपी पद से सेवानिवृत्त हुए राजपत्रित अधिकारियों के साथ पुलिस अधीक्षक यातायात डॉक्टर एमपी सिंह ने बैठक कर उनकी विभिन्न समस्याओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की। वहीं 80 वर्ष पार कर चुके सेवानिवृत्त डिप्टी एसपीओस को सम्मानित भी किया गया। वहीं सेवानिवृत्त हुए राजपत्रित अधिकारियों के अनुभवों का इस्तेमाल कर पुलिस उससे मदद लेगी। मेरे सभी साथीगण, आज इस सम्मान समारोह में आकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हुई। उसके कई कारण, परम आदरणीय डीआईजी महोदय श्री जेपी सिंह साहब, ईपीएस एसोसिएशन के सचिव, उपस्थित सभी अनुभवी और सम्मानीय अधिकारीगण, आज की मीटिंग कुछ अलग है। वैसे तो बीच में भी ये मीटिंग होती रहती है, आज की मीटिंग कुछ अलग है। सभी लोग वरिष्ठ और सम्मानीय तो है, जैसा कि प्रोफेसर मर्म साहब ने बोला था, कि सब लोग ज्ञान और अनुभव का भंडार है, निसंदेह इसमें कोई भी डाउट नहीं है। और खड़ा रहना चाहिए उनके साथ बात करते हैं एक मीटिंग में थोड़ा सा। इसके लिए मैं सिद्धू साहब के सामने आज ही रखूंगा, और एक ना एक दिन सबके लिए रिटायर होके घर बैठना है और किसी के साथ कोई भी स्थिति। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक यातायात डॉक्टर एमपी सिंह ने बताया, हमारे जनपद में पुलिस पेंशनर्स की संख्या काफ़ी मात्रा में है। इनकी नियमित रूप से हम मीटिंग्स करते रहते हैं। आज केवल जो डिप्टी एसपी के रूप में रिटायर हुए हैं और गोरखपुर में रह रहे हैं, उनमें से जिन लोगों की आयु 80 वर्ष से ऊपर हो चुकी है, 80 वर्ष से ऊपर वाले डिप्टी एसपी के लिए सम्मानित किया गया और उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना की गई और उनके लिए आश्वासन दिया गया कि रेगुलर रूप से स्थानीय पुलिस आपके यहाँ विजिट करेगी और आपने जो 40 साल विभाग को सेवा दी है, आपके जो अनुभव हैं और फील्ड का जो व्यवहारिक ज्ञान है, वो अनुभव और व्यवहारिक ज्ञान जो है स्थानीय पुलिस उसमें उनकी मदद लेगी। इसी सब के साथ उनके